Dear students now we are going to study one sample t test one sample t test is somehow different from the paired sample t test and independent sample t test one sample t test is conducted when you are going to compare your sample mean with the population mean or uh, in some cases if you do not have the population mean then you are going to compare your sample mean with the hypothesized population mean तो आप इस टेस्ट की बुनियाद पर ये डिड्यूस करते हैं कि आपका जो सैम्पल मीन है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है पॉपुलेशन के मीन के साथ या वो स्टेटस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रहा पॉपुलेशन के मीन के साथ इसकी अगर हम मजमशन्स की बात करें तो ये जो है जो टेस्ट वो कंडक्ट uh, किया जाता है जब आपके पास कंपोजिट स्कोर हो यानी आपका वेरिएबल कॉन्टीन्यूस इन नेचर हो उसमें कोई आउटलायर्स ना हो और डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अगर हम इसके हाइपोथेसिस की बात करें तो हम इसका नल हाइपोथेसिस कुछ ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि देर इज़ नो मीन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड एंड टेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड देर इज अटेटिकली सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड एंड टेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि दो हज़ार तेईस में जो स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं उनका एवरेज जी पी ए जो है डिपार्टमेंट ऑफ जनरल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स का क्या डिफ़र करता है प्रीवियस सेशनस के एवरे एवरेज जी पी ए के साथ तो हमने इस टेस्ट को जो है कंडक्ट करने के लिए कैसे इसको कंडक्ट करना है एनालाइज में जाएंगे कंपेयर मीन्स में आएंगे वन सैंपल टी टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमने जी पी ए को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा जो टेस्ट वैल्यू है वो थ्री पॉइंट एट सेलेक्ट कर ली जो कि आपके पॉपुलेशन का मीन है अब जब इस टेस्ट को हमने कंडक्ट किया तो हमारे पास ये दो टेबल्स आएंगे एक में जो है उनका मीन बताया गया होगा आपके सैंपल का जो कि थ्री पॉइंट टू थ्री है जो कि टेस्ट वैल्यू जो थ्री पॉइंट एट उससे काफ़ी कम है इस वजह से जो आपका जो सिग टू ट्रेल्ड जो है वो अगर आप टी टेस्ट की वैल्यू देखें तो जो आपका सिग वैल्यू है इज़ लेसर देन पॉइंट ज़ीरो फाइव इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट देर इज अ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मेन डिफरेंस इन द कंप्यूट वैल्यू एंड टेस्ट वैल्यू यानि ये जो सेशन है इसका जो एवरेज स्कोर है वो कम्पेरेटिवली बहुत कम है जो प्रीवियस सेशन्स के स्कोर हैं उसके साथ यानि आपका जो एक्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बार जो है इज़ नॉट इक्वल टू म्यू तो ये हमें वन सैम्पल टी टेस्ट से को कंडक्ट करने के बाद पता चला है ये स्टैंडर्ड एवर मीन डिफरेंस और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वगैरह ये मैं आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लेक्चर में समझा चुका हूँ कि ये कैसे हम कंप्यूट करते हैं तो अब हम इसकी नेक्स्ट मंड्यूल में एक एक्सरसाइज करेंगे